उधर मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू लगने के बाद भी जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच भयंकर भिड़ंत हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि छात्र आंदोलन में शामिल 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्योंकि मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू के बावजूद हालात बिगड़ गए। सुरक्षा बल के लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने का भी असर नहीं हुआ। एक तरफ आंसू गैस के गोलों से इम्फाल की सड़कें धुआं धुआं हुई तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी दौड़ते हुए आगे बढ़े। जवाब में पत्थरबाजी और आगजनी हुई। सड़कों पर खड़ी बाइकों और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पूरा इम्फाल सुलग गया। जगह जगह हुई आगजनी की वजह से आसमान में काला धुआं उठता दिखा, क्योंकि सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी सीधा भिड़ गए। हालत यह हो गई कि मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बल को सख्ती करनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि प्रदर्शन में शामिल 50 लोग घायल हो गए। जबकि इससे पहले हालात पर काबू पाने के लिए मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 5 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। सितंबर की शुरुआत से ही मणिपुर में एक बार फिर वैसे ही हालात बन गए जैसे पिछले साल अगस्त के महीने में बने थे। एक दिन पहले तो छात्रों ने राजभवन का घेराव करने की भी कोशिश की थी और अगले दिन एक बार फिर उन्होंने इम्फाल की सड़कों पर मार्च निकाला, लेकिन उनका सामना सुरक्षा बल से हो गया, जिन्होंने छात्रों के मार्च को रोकने के लिए ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शन में शामिल लोगों को पीछे खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल आंसू गैस के गोले दागते हुए आगे दौड़े। इससे पहले छात्रों ने एक बार फिर राजभवन की ओर मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई और आगे बढ़ी, लेकिन अचानक आंसू गैस का गोला दागे जाने की आवाज आई और प्रदर्शन में शामिल लोग इधर उधर बिखरने शुरू हो गए। सुरक्षा बल का मकसद प्रदर्शनकारियों को राजभवन तक पहुंचने से रोकना था, इसलिए उन्होंने लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े। छात्रों के प्रदर्शन के बीच ही मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इन जिलों में पूर्वी और पश्चिमी इम्फाल शामिल हैं। जहां हालात बिगड़ने से रोकने के लिए केवल कर्फ्यू ही नहीं लगाया गया बल्कि 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई, क्योंकि एक बार फिर हिंसा भड़कने के बाद वहां कई लोगों की मौत होने की भी खबर आई और इसीलिए मणिपुर का माहौल एक बार फिर खराब हो गया, क्योंकि आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे छात्र और दूसरे प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक रुख दिखाया। एक दिन पहले तो वो सुरक्षा बल से सीधा भिड़ गए थे, उन्हें ललकारते नजर आए थे और सुरक्षा बल पर पत्थर भी फेंके थे, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। आंसू गैस के गोले छोड़ने पर थोड़ी देर के लिए प्रदर्शन रुका था, लेकिन छात्र एक बार फिर सुरक्षा बल से भिड़ने के लिए आगे आ गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन में शामिल लोगों को दौड़ा दिया। बताया गया कि आंदोलन में शामिल छात्र सुरक्षा बल से नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 से 3 सितंबर के बीच मणिपुर के उन इलाकों पर ड्रोन से हमला हुआ था जहां मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए उन्होंने मांग की कि या तो केंद्रीय सुरक्षा बल मणिपुर सरकार के निर्देश पर काम करें या फिर राज्य से चले जाएं। यानी पिछले साल मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय का जो झगड़ा शुरू हुआ था, वो झगड़ा 1 साल बाद एक बार फिर बढ़ गया और मणिपुर सुलग उठा। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।